हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। ऑनलाइन कैन यू हियर मी? गुड इवनिंग सर। यस सर। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पहले ये वाले नहीं भेजे थे और इससे पहले वाले भेजे? सर प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टर तक भेज देते हैं, ये वाला नहीं भेज रहा। ठीक करो ऑनलाइन बचो, स्क्रीन नहीं दिख रही आपको? सर दिख रही है, सर दिख रही है। ठीक है, तो चलो इसको समझते हैं। बच्चों थोड़ा
The last line में लिखा है direction of resultant is from tail of first vector to head of second vector. ओके अब हम बच्चों इस बात को मैथमेटिकली अब निकालते हैं कि ये जो a प्लस बी है ये क्या है. तो बच्चों अब मान लो कि मुझे a वेक्टर और b वेक्टर के बीच में एंगल पता है थीटा. तो यहां से देखकर ये बताओ कि जो मैंने फिगर में एंगल थीटा दिखाया हुआ है वो ठीक है. तो मैंने फिर से वही फिगर बना लिया पहले वाला था और ट्रायंगल की थर्ड साइड है वो रिजल्टेंट होगी. तो जो उसकी लेंथ है वो क्या डिनोट करेगी. ब्लू लाइन से कंस्ट्रक्शन भी की हुई है राइट. सो ड्रॉ दिस फिगर and find the length OQ. इसका हो गया बच्चों तो एंगल फाइव नहीं निकालो मतलब टैन फाइव. भाई आप मुझे मुझे सिर्फ एक दो लोगों ने भेजा वो रेनबो टेस्ट मतलब या नहीं ना हुआ नहीं.
चलो मैं हिंट दे रहा हूँ फर्स्ट, रिंग का एमआर स्क्वायर का 2 आएगा, और फिर उसको यूज करके जब बेस का निकालोगे तो एमआर स्क्वायर का रिंग का एमआर स्क्वायर का, मतलब वो बस चेक कर रहा कि रिंग का आपका क्या आना चाहिए। एक और हिंट दे रहा हूँ कि रिंग का जो एलिमेंट है वो तो आरडी थीटा एलिमेंट है ना, आपको क्या चाहिए उसका वाई एक्सिस का डिस्टेंस स्क्वायर करना है वो आई वाई का मतलब क्या था? आई वाई का मतलब है मतलब बाय एक्सेस के बहुत कुछ निकाल रहा है, जो डिस्टेंस लेना था वो बाय एक्सेस से लेना था। I by does not mean by coordinate. हाँ ठीक है आर्यन, I think सबने निकाल लिया होगा सिंपल पाइथागोरस थ्योरम में। Yes, sir. उसको यूज करके यू शुड बी एबल टू गेट पाइथागोरस थ्योरम एंड ट्रिग्नोमेट्री, ये दो रिजल्ट आ जाएगा। tan pi जो है वो b sin theta over a plus b। बच्चों मैं ये कहूंगा कि ऊपर वाला रिजल्ट तो पक्का याद रखो, ये root of a square plus b square plus 2 over cos theta। नीचे वाला रिजल्ट याद रखने की जगह सीधा ऐसे ही सोचो कि ट्रायंगल से ट्रिग्नोमेट्री लगा लिया, क्योंकि ना ये फार्मूला कई बार कंफ्यूजिंग हो जाता है। b sin theta a plus b cos theta मतलब ये बड़ा स्पेसिफिक फॉर्मूला हो गया ना, जिसमें ए इसको लेना है बी इसको लेना है, तो वो गलती हो सकती है। उससे अच्छा ये है कि फिगर से बना कर ठीक है। तो ये तो लिख भी लो कि पाई क्या है, कि एंगल ऑफ रिजल्टेंट विद फर्स्ट वेक्टर। तो कि मतलब हमारे फिगर में क्या था बच्चों, फर्स्ट वेक्टर ए। ऑनलाइन बच्चों सबका आ गया? यस सर, यस सर। वैसे तो आपको ये भी लग सकता है कि जो ये रिजल्ट है ये भी ट्रायंगल से निकाली हो, 80% ऑफ द केसेस में वो भी हम ट्रायंगल से किया करेंगे, लेकिन 20% ऑफ द क्वेश्चन हैं ऐसे जहाँ पे आपको ये रिजल्ट बताना पड़ता है। ओके अब बच्चों इससे मुझे बताओ कि ये जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो मैक्सिमम कब होगा? इस रिजल्ट से भी सोचो और फिजिकली भी सोचो। इस रिजल्ट से जब cos theta zero करेक्ट, और फिजिकली इसका क्या मतलब है कि मैक्सिमम तब हो रहा है जब एंगल जीरो है, मतलब अगर दोनों डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होंगी तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी। कोलिनियर क्या है? बट कोलिनियर में पता ही है थीटा भी होता है, पानी के लिए होता था, इसलिए कोलिनियर नहीं बोलेंगे हम, सीधा थीटा से होगा। ओके अब यहीं से बताओ बच्चों कि ये मिनिमम कब हो सकता है? जब थीटा 180 पे क्या हो जाएगा? ऑपोजिट हो जाएगा।
तो फिजिकली भी समझ आ रहा है कि अगर दो वेक्टर जो अपोजिट हो जाएंगे तो उनका इफेक्ट सबसे कम होगा। तो ये लिख लो, ये मैंने a माइनस p लिखा है बच्चों के साथ मॉड भी लगाया क्योंकि इसमें गलती है ना। नहीं ठीक है, बताओ मैग्नीट्यूड मॉड क्यों लगाया बच्चों क्योंकि मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव ही चाहिए। अब मुझे नहीं पता a और b में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, इसलिए मॉड लगाया। चलो एक सिंपल एग्जांपल बच्चों ये करो ट्राई। हो गया सबका, आई थिंक ज्यादा टाइम का तो मतलब ही नहीं है इसमें। रूट 76 आ जाएगा। यस सर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ठीक है आर एस तो 120 आंसर आ रहा है। जब आप सॉल्व करोगे यू विल गेट cos थीटा इक्वल टू माइनस का माइनस तो उससे आपका थीटा 120। अच्छा मेडिकल वाले स्टूडेंट्स आपने ना एक काम करना है, क्या होगा कि कई क्वेश्चंस में ना छोटी छोटी चीजें ऐसी आती रहेंगी जो मैथ्स रिलेटेड है, वो तो आपने वो पहले आप करेंगे। नई चीज ऐसी नहीं है जो आईटी की जरूरत नहीं आती है, नॉनवेट वाले तो कर लेंगे, वेट वाले करते ही समथिंग आ सकता है। के 50 डिवाइड 20 ऑफ फ्यूचर सेंटर्स ऑफ 10 तक तो क्लियर ही होंगे, बट यूज होते हैं आपको जरूरत तक तो जिसमें चाहिए होंगे। तो आपने क्या करना है कि कोई भी जो ऐसा अलग से मैथमेटिकल रिजल्ट आए एक ना आपने सेपरेट पेज बना लो, लास्ट पेज या जो भी रजिस्टर का उसमें नोट करिएगा।
ताकि आपको मतलब इकट्ठे हो जाए और फिर मतलब याद रहे। ऑब्वियसली हम पूरी मैथ तो कर नहीं सकते, जितनी काम की है हम हो सकते हैं। अभी जैसे आई थिंक पिछली क्लास में आपसे पिछली क्लास में आया था वो cos square theta, वन प्लस cos की theta by 2, ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको जरूरत पड़े। तो बच्चों इसको करने का एक तरीका तो ऑफ कोर्स है कि आप उस रिजल्ट से ही करो, दूसरा तरीका है कि आप ज्योमेट्रिकली भी कर सकते हो। ठीक है, कैसे कि आप मान लो पहले आपने ए बनाया, दूसरा ए बनाया, और अब आपको क्या चाहिए कि जो तीसरा ए है वो भी यही हो, मतलब तीसरा रिजल्टमेंट यही हो। तो मैंने जान के पहले ऐसा फिगर बनाया लेफ्ट साइड वाला, क्योंकि एक बार तो माइंड यही है कि ऐसा फिगर बनाओ, फिर इसको देख के आपको आइडिया लगेगा कि भाई हाँ ये कैसा, ये तो इक्विलेटरल है, वो ऐसा फिगर नहीं, वो ऐसा होना चाहिए। बट इसमें एक गलती ये हो जाती है नॉर्मली, एकदम इक्विलेटरल देख के हमारे माइंड में आता है एंगल 60, लेकिन ध्यान रखना है कि एंगल हमें कौन से वाला देना है, हेड और टेल वाला, मतलब दो टेल्स वाला देना है ना, तो वो आंसर 120 आ रहा है। ठीक है, तो ये भी नोट कर लो। हो सकता है इसका थीटा प्रॉपर ना निकल रहा हो, मतलब आप अपना आंसर साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा में छोड़ सकते हो।
जस्ट अ सेकंड, ये ऐसे करते फर्स्ट क्वेश्चन का तो आंसर बता था कि दो सस्पेक्ट हो अगर जैसे इस क्वेश्चन में मुझे बताओ ये अगर ज्यादा आसान कैसे है, फॉर्मूला से या फिगर से? बट फिगर से तो ये तो फर्स्ट केस हो गया है ना जब हम करते. अब इस केस में देखो मैं फिगर कैसे बनाऊंगा. 2a इक्वल टू b दिया हुआ है, तो अगर आप फिगर समझोगे मतलब ये आपका ए है, ये आपका बी है विच इज 2a, और आपको कह दिया कि जो इसका रिजल्टेंट है बच्चों वो परपेंडिकुलर टू ए होगा. बस फिगर से तो कुछ बचा ही नहीं. हाँ जब फिगर बनाओ ना बच्चों तो पहले ही एंगल थीटा शो करो जो आपको निकालना है, नहीं तो गलती हो जाती है. ये निकालना है तो आपका जो
कैसे बन गया, तो ये आपको क्लियरली बच्चों जो cos 90 माइनस थीटा है व्हिच इज 180 माइनस थीटा, सॉरी जो cos 180 माइनस थीटा है बच्चों वो क्या है, नहीं नहीं मतलब उसकी जरूरत ही नहीं, आपने तो अंदर वाले एंगल का cos लिया है वो क्या है हाफ, तो इसका मतलब जो 180 माइनस थीटा है वो 120, तो थीटा आपका 90 फिर उसमें भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मतलब जो फाइ था वो किसके साथ एंगल होता है ना, तो थोड़ा सा नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, एडिशन सबको क्लियर हो गया, चाहे साइन नेगेटिव कह लो चाहे अगर फिगर बना रहे होगे तो वो बनेगा ही नहीं फिगर प्रॉपर, मैथमेटिकली करोगे तो cos थीटा माइनस 2 आ जाएगा तो वो पॉसिबल नहीं है, तो अच्छा ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं ठीक है, मतलब इसमें एक ऑप्शन यही हो जाएगी कि भाई नॉट पॉसिबल तो घबराओ मत, तो अच्छा सब्ट्रैक्शन तो हम अलग से नहीं कुछ उसके रूल्स बनाते, सब्ट्रैक्शन को तो हमने सिंपली ऐसे ही समझना है जैसे मैथ्स में कहते हैं कि भाई 4 माइनस 3 का क्या मतलब है, 4 प्लस माइनस 3, तो वही चीज हमने यहाँ कहनी है कि अगर मैं कहता हूँ a वेक्टर माइनस b वेक्टर, दिस इज नथिंग बट a प्लस माइनस b, एंड माइनस b तो मुझे पता ही है क्या है, वो क्या है b वेक्टर का ऑपोजिट, तो a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मतलब सिंपली ये है कि आपने a वेक्टर के अंदर b का ऑपोजिट वेक्टर ऐड कर, और ऐड को हमें ऊपर करना सीखी, तो सब कुछ वही है बस फर्क यह है कि अब a के अंदर b वेक्टर नहीं ऐड होगा, b का ऑपोजिट वेक्टर ऐड है, ये बात समझ आ रही है, तो बच्चों अब आप क्या करो, मान लो कि जो आपके a वेक्टर और b वेक्टर हैं, ये इसी फिगर वाले हैं, यहाँ पे हमने a प्लस b निकाला, आप मुझे इसी फिगर में मतलब एक नया फिगर बनाओ जिसमें a वेक्टर और b वेक्टर ऐसे शो कर दो, तो उस फिगर में आप a माइनस b वेक्टर ड्रॉ करो, मतलब a और b बिल्कुल ऐसे ही ले लो, तो वहां पे a प्लस b भी दिखा दो और a माइनस b भी दिखा दो, डन बच्चों, यस सर, तो
ऐसे बन गया आपका ए माइनस। तो अब बच्चों ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकल, तो जो आप ऐसे सोचो कि हमने एडिशन का फॉर्मूला तो अभी किया ही है, तो प्रैक्टिकली तो आप इस फिगर में ये जो हॉरिजॉन्टल वेक्टर बना हुआ है ए, जो ब्लू वेक्टर बना हुआ है ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड तो बी है, तो आपको तो इन दो वेक्टर्स को ऐड करना है, और इन दो वेक्टर्स में एंगल क्या है, वाइट वाला ए वेक्टर और ब्लू वाला जो वेक्टर है, इन दोनों में एंगल क्या है, 180 माइनस थीटा। एसेंशियली तो आपका क्वेश्चन ये है कि दो वेक्टर्स को ऐड करो जिनके बीच में एंगल 180 माइनस थीटा है, तो वो ऐड करके क्या बन जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस 180 माइनस थीटा। और वो जो कॉस 180 माइनस थीटा होता है बच्चों, वो क्या होता है, माइनस कॉस। तो मेड स्टूडेंट्स शुड आल्सो नो दिस कि कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। और यही बच्चों साथ में आप नोट कर सकते हो कि साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, वो प्लस साइन थीटा ही होता है। आ गया बच्चों सबको समझ? तो जो इस फॉर्मूला को याद रखना है कि शॉर्ट फॉर्म ये है कि a माइनस डी है, तो फॉर्मूला में जो पहले सम वाला फॉर्मूला था उसमें b को आप माइनस डी से रिप्लेस कर दो। ऑल्दो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इट इज नॉट मेकिंग एनी सेंस, क्यों, b तो मैग्नीट्यूड है, आप मैग्नीट्यूड पर नेगेटिव पुट कर रहे हो, उसका कोई मीनिंग नहीं बनता, बट इट इज जस्ट अ ट्रिक कि भाई ऐसा कर दो तो आपका वही आंसर बनता है। समझ आया बच्चों? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? एक एग्जांपल करो बच्चों।
equal to b greater than b equal to 2b. तो ये वाला भी दोनों तरीके से इजी है, ज्यादा इजी रहा तो फॉर्मूला से फिगर में भी टाइप टाइम लग जाए, मतलब फिगर बनाने में भी टाइम लग जाएगा एक्चुअली, इसमें पास फॉर्मूला से जाएगा। सिंपली रिजल्ट से इक्वेट कर दो, एक सेकंड में आ जाएगा। क्या बच्चा, तो आप देखोगे कि जो आपको मैं जो शीट भेजूंगा उसमें ऐसे इस टाइप के बहुत क्वेश्चन हैं, जैसे मैंने परपेंडिकुलर दे दिया, ऐसा कोई और रिजल्ट दे दिया जाएगा, तो करना वही है। नेक्स्ट आ जाएगा बच्चों पॉलीगन लॉ, इसमें क्या होगा? वही बस, सारा कुछ वही है, बस ट्रायंगल लॉ की जगह अब हमने इसको जनरलाइज कर दिया फॉर एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स, राइट भाई। कुछ भी अगर आपके पास, मान लो मैंने पांच है सारे हेड टू टेल जॉइन कर दो, जो आखिरी वेक्टर होगा जो फिगर क्लोज कर रहा है वो आगे समझते हैं, ठीक है? इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, बस कंसेप्ट समझना था, वो आप समझ गए, ठीक है? किसी को भी अप्लाई कर दो, हमने कर लिया। ये करो अगला एग्जांपल, कुछ कर
उसके लिए आपका ये बन जाएगा बच्चों यू रीअरेंज कि भाई 480 cos थीटा इज इक्वल टू 0 तो इसमें cos थीटा 0 हो गया तो थीटा आ गया बच्चों समझ यहाँ तक सारा ओके कुछ बच्चों कुछ पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस एडिशन सब्ट्रैक्शन ये बताओ बच्चों कि एक तो मैंने आपको लिखवा दी थी आप मुझे दोनों की बताओ कि a माइनस b वेक्टर और a प्लस b वेक्टर दोनों की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज क्या होंगी क्या सब ये समझ पा रहे हो कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज तो वही है बस ऑपोजिट है तो एक केस में मैक्सिमम है वो दूसरे केस में मिनिमम होता है हाँ ये लिख लो हाँ उसमें मॉड की वजह से अंडरस्टैंड कुछ अगली प्रॉपर्टी बच्चों ये लिखो एंड देखो आप इसको वेरीफाई कर सकते हो तो स्पेशल केस हुआ तो आप इसको प्रूव करो कि हर केस के लिए आ रहे हो
आओ चो सबने कर लिया प्रूफ यस सर हो गया दोस्तों आप ये देखो कि जैसे ये आपका जो व्यू वेक्टर है उसका एंगल थीटा बाय 2 बन जाएगा ठीक है तो जैसे फिगर से करना है तो कैसे करोगे आप देखो कि आपके जो दो वाइट वेक्टर्स हैं वो इक्वल है और बाहर वाला एंगल थीटा है तो अंदर वाले दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे क्लियर डॉल इसको लिखो और प्रूफ करके ज्योमेट्रिकली किस प्रॉपर्टी को इनडायरेक्टली बोला गया है वही चीज है
इसको एक्सटेंड कर दो, जो हम कहते हैं प्रॉपर्टी कि सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू थर्ड साइड, सॉरी ट्रायंगल में जो ग्रेटर ही होता है उसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हो। अगर आप ट्रायंगल के लिए कहते हो कि सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, तो क्या आप स्क्वायर के लिए भी ये कह सकते हो कि सम ऑफ थ्री साइड्स इज ग्रेटर देन फोर साइड? एक बार सोचो। यस सर। कैसे? उसी को फर्दर एक्सटेंड कर दो, पेंटागन में आ जाएगा सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन फिफ्थ साइड, मैक्स ऑफ। तो भाई अगर देखो अब आपने इसको कैसे प्रूव करना है, रिजल्टेंट ऑफ n वेक्टर 0 वेक्टर कब कब हो सकता है? या तो वो कोई पॉलीगन बना रहे हो तो वो क्या हो जाएगा? तो पक्का ही n माइनस 1 साइड, n माइनस 1 का सम आखिरी वाली से ज्यादा हो गई है। और किस केस में ऐसा हो सकता है कि n वेक्टर्स का रिजल्टेंट 0? मतलब ना देखो ये हाँ कोलिनियर होना जरूरी नहीं है, ऑफ कोर्स एक लाइन होना जरूरी नहीं है, डायरेक्शन कह लो कि लॉन्ग एक्स एक्सिस या माइनस एक्स एक्सिस ऐसे होना चाहिए, या ऐसे कह दो कि डिस्प्लेस करके तो आप उनको कोलिनियर बनाई होगे ना। हाँ सिर्फ कोलिनियर वाले केस में मैग्नीट्यूड, मतलब ये जो हमने अपने रिजल्ट में इनइक्वालिटी लिखी है, मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा ना हमने, ये शुड बी क्लियर कि कब ग्रेटर देन आ रहा है और कब इक्वल टू आ रहा है। ग्रेटर देन किस केस में आ रहा है? पॉलीगन बनाएंगे। और इक्वालिटी कब आएगी? जब वो पैरेलल, जब कोलिनियर हो, एक ही लाइन का हो। ऑनलाइन बच्चों समझ आ गया ये कॉन्सेप्ट? राइट बच्चों क्लियर हो गया? क्या कोई कुछ पूछ रहा था रिजल्टेंट का? मैंने पूछ रहा था जो n वेक्टर है उसमें रिजल्टेंट इंक्लूडेड है, जो नहीं रिजल्टेंट इंक्लूडेड नहीं है तो अलग है। नहीं नहीं एक मिनट, टोटल n है उन सबको मिला के 0 बन गया, हम ये कह रहे हैं
ओके नेक्स्ट लिखो बच्चों कि जैसे ट्राइंगल लॉ होता है दो वेक्टर्स की एडिशन के लिए, वैसे ही एक पैरेललोग्राम लॉ भी होता है। पैरेललोग्राम लॉ तो सिर्फ दो वेक्टर के लिए, जैसे ट्राइंगल लॉ दो के लिए ही है। तो देखो ये लॉ कैसे बनता है बच्चों, जो बच्चों हमारा स्टैंडर्ड ट्राइंगल लॉ होता है उसके हिसाब से ये ब्लू वेक्टर रिजल्टेंट आ जाएगा ए और बी का। इस केस में हम बी वेक्टर को कैसे ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब हम कह रहे हैं कि बी की टेल जो है वो ए के हेड पे हो। अब आप ऐसा करो कि बी को डिस्प्लेस करके बी की टेल और ए की टेल को कोइंसाइड करा दो, ठीक है, और ऊपर एक डॉटेड लाइन बना दो, ठीक है जी। तो अब मुझे ध्यान से देखकर बताओ कि अगर आप ए वेक्टर और ग्रीन वाले बी वेक्टर को देखो तो उसके हिसाब से ब्लू वेक्टर क्या है, रिजल्टेंट ही है। बट वो बन कैसे रहा है रिजल्टेंट, ज्योमेट्रिकली कैसे बोलोगे? जैसे हमने व्हाइट वाले बी वेक्टर को लेके तो क्या बोला कि जो ट्राइंगल बना रहे हैं ये दोनों, उसकी थर्ड साइड बोल दो। अब हम ध्यान से क्वेश्चन सुनो मेरा कि अब हमें क्या बोलना है, मतलब ए वेक्टर और ग्रीन वाले बी वेक्टर से ब्लू वेक्टर कैसे बन रहा है, तो क्या बोलोगे आप कि भाई जो ए वेक्टर और ग्रीन वेक्टर से जो पैरेललोग्राम बन रहे हैं उसका डायगनल है ना। बट कौन से वाला डायगनल, जो वहीं से ओरिजिनेट हो रहा है। डायगनल तो दूसरा भी हो सकता था, बट हमें कौन सा कहना है जो वहीं से ओरिजिनेट। तो पैरेललोग्राम लॉ में कुछ ध्यान ये रखना है कि तीनों वेक्टर्स की टेल्स कोइंसाइड करनी है, ए की भी, बी की भी और रिजल्टेंट की भी, सारी एक ही जगह पे। डायगनल्स इक्वल होते हैं, मतलब इक्वल कौन से वो तो शायद रोम्बस के होते हैं ना, मतलब रेक्टेंगल के होते होंगे, जनरल पैरेललोग्राम से तो नहीं होते। किसको बाइसेक्ट करते हैं, तो समझ आ गया डिफरेंस बिटवीन ट्राइंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ। फाइनली आंसर दोनों से वही आना है, बट यू शुड जस्ट बी क्लियर कि भी अगर आपको वेक्टर्स ऐसे ही ड्रॉ करके दिए हुए हैं तो जबरदस्ती डिस्प्लेस करने की जरूरत नहीं है, सीधा ही डायगनल बना दो, काम हो जाएगा। एंड वेक्टर थोड़ा होगा उसका आप मतलब वो ब्लू के साथ वो एक वेक्टर है वो रिजल्ट लगता है ना, पाई का लॉ। हां हां वो पाई है, हां यस। ये भी ड्रॉ कर देते हैं कि इस फिगर में बच्चों ये पूरा एंगल तो है थीटा और जो ये वाला एंगल है वो फाई।
क्लियर बच्चों? एग्जांपल करो बच्चों। अच्छा एक बच्चों आपने घर पे ना ये ट्राई करना है कि ये जो पैरेललोग्राम बन रहा है उसका एक डायगोनल तो हमने बना दिया और वो सम रिप्रेजेंट कर रहा है। आपने घर पे ट्राई करना है कि जो दूसरा डायगोनल है वो क्या है। इस क्वेश्चन में तो सिर्फ मैग्नीट्यूड ही बता रहे हैं। बट मैं क्या उसका आंसर बच्चों पी आएगा। कैसे करना है बच्चों क्वेश्चन? एक तो ये है कि आप सारे वेक्टर्स को एक्चुअली रिजल्टेंट लेने लग जाओ सॉल्व करो। दूसरा ये है फिर से फिगर बनाओ। ठीक है ये ना इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों बहुत आते हैं। मतलब जब ऐसा कुछ दिया हो ना कि भाई बहुत सारे वेक्टर्स सारे इक्वल है एंगल सेम है तो वो हमेशा केस कुछ ऐसा होगा कि अगर आप बनाने शुरू करोगे ना ये इस तरह से बन जाएंगे रेगुलर हेक्स। मतलब इन पांच से एक रेगुलर हेक्सागन की पांच साइड्स बन जाएंगे। ठीक है ना तो जो इसका रिजल्टेंट होगा बच्चों वो कैसा होगा? जो रिजल्टेंट है वो हेक्सागन की सिक्स साइड रिप्रेजेंट कर रहे तो वो भी क्या हो गया पी हो गया। तब
तो जब भी ऐसे जो बहुत सारे दिए हो ना, वो हमेशा ऐसा ही केस होता है कि वो पॉलीगन की कोई ना कोई साइड बन रही होती है। ठीक है, दूसरा सिंपल तरीका जो आप समझ रहे होगे कि वो तो है ही है कि एक एक करके सारे रिजल्टेंट लेने लग जाओ, बट वो सेंस नहीं है। हाँ, वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। वही मैंने आपको जो कहा था ना कि 80% क्वेश्चन तो फिगर से होंगे। बहुत ही एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन है जो वो फॉर्मूला है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। आगे समझो, चलो ठीक है बच्चों, दैट्स इट फॉर टुडे। अभी अगला टॉपिक कुछ खास हो नहीं पाएगा, मतलब ये अपना अब बच्चों एडिशन सब्ट्रैक्शन खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट करेंगे, ठीक है। और इसकी मैं बच्चों शीट भेजूंगा, वो आपने करनी है। एक मैं मैसेज करूंगा, मतलब नेक्स्ट वीक, वैसे तो अपनी दो क्लासेस तो यही है स्टैंडर्ड, एक मैं अलग से मैसेज करूंगा आपको फॉर डिस्कशन ऑफ कैलकुलस टू शीट। तो वो ऑनलाइन क्लास ही होगी, वो अलग टाइम तो होगी, तो वो जिसके भी कोई डाउट्स होंगे आप ज्वाइन करना। हाँ, ये मैं पूरे नोट्स भेज ही रहा हूँ आपको, वो कंप्लीट कर लेना आप। ठीक है बच्चों, चलो ओके बच्चों, बाय।